हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, वैसी छात्रा जिन्होंने 2020 में या 2021 में इंटर की इम्तिहान दिए थे, यानी इंटर की परीक्षा दिए थे और पास फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं, तो उनके लिए कन्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, वैसी छात्रा जिनकी शादी नहीं हुई है और ये 2020 में या 2021 में इंटर पास की है, तो उनके लिए ये योजना है। तो इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो, तो एक तो उनकी शादी नहीं हुई हो और पहला कि 2020 या 2021 में इंटर पास की हो। और सबसे पहली बात है कि ये न्यू अब वेबसाइट लॉन्च किया गया है, उसके तहत आपको अपना ये फॉर्म को सबमिट करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, अपना बैंक डिटेल्स और अपने आधार नंबर ये सब डालिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेना है कि लिस्ट में नाम है कि नहीं। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप क्या कीजिए कि रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना सारा डिटेल्स भरिए और भरने के बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसमें देखते हैं कि आपको लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है। उससे पहले फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें दिया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर में प्रोत्साहन राशि 2020 की छात्रा इंटरमीडिएट या 2021 में पास की हैं, यहाँ पर सिर्फ 2020 मेंशन किया गया है, तो उनको NIC जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर जाके अपना सारी जानकारी भरना है। और यहाँ पर दिया गया है कि मात्र 10,000 रुपये ही दिए जाएंगे, ठीक है, तो 10,000 आपको मिलेगा। और वैसी महिलाएं जो अविवाहित हैं, यहाँ पे साफ क्लियर लिखा गया कि वैसी छात्राएं जो अविवाहित हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाएगा जो इंटर पास की हैं 2020 में। यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ लिंक आपको इसी लिंक को ओपन करना है। तो चलिए हम वेबसाइट पे चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड, जैसे कि हम ई कल्याण योजना है, आपको जो नया वेबसाइट है ये लॉन्च किया गया है, तो इस पर हम आ चुके हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर पिन अप किया रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्रकार कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको कुछ बातें दिए गए हैं कि जो आपका यूजर ID और पासवर्ड जो बनाइएगा जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसको संभाल कर रखना है। बैंक खाता चाहिए, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपके नाम से होना चाहिए, ईमेल ID भी होना चाहिए। और बैंक खाता जो होना चाहिए ये आपके नाम का होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए, ना कि उनके माता पिता के संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर संयुक्त खाता को मान्य नहीं होगा। और एक बात याद रखना है कि कुछ बैंक्स के हैं जिनका जो आपका बैंक का खाता अगर है आपका अकाउंट नंबर, तो उसका वेरीफाई नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे दिखा गया है इलाहाबाद बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, ऐसे ही और से बैंक कहते हैं जिनका नाम दिया गया विजय बैंक। तो अगर इन सब बैंकों का अगर आपका पास अकाउंट है तो आपको क्या कीजिए कि जाकर दूसरे बैंक अकाउंट बैंक में अपना खाता खुलवाइए और उसके बाद इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से नीचे आइएगा, उसके बाद आपको दिया गया होगा कि चेक योर अप लिस्ट ऑफ द नेम, यहाँ से आपको लिंक एक मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिएगा कि रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही आपको वेरीफाई नेम एंड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर सिंपल से क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी आपका कौन सा ज़िला है जहाँ से आप 12th किए हैं, तो जो ज़िला से आप 12th किए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर सिवान सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर सिवान सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कॉलेज का नाम देखना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लेटर से जितने भी कॉलेज के नाम है, उसके बाद BC इस प्रकार से लाइन से दिए गए हैं, तो आपको अपने कॉलेज का नाम खोजकर उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक स्कूल सिंपल से सेलेक्ट कर लिया है जो, उसके बाद व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार के कुछ इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। इसमें भी आपको स्टूडेंट का जो नाम है ए से शुरू होने वाले स्टूडेंट का सबसे पहले आगे नाम होगा, फिर बी से, सी से, इस पर का अपना नाम देखिएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। स्टूडेंट का नाम दिया होगा जाएगा, फादर नेम दिया जाएगा, मदर नेम, पिता का, माता का नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया जाएगा,
उसके बाद अकाउंट नंबर और आधार नंबर। तो अकाउंट नंबर आधार नंबर पे आपको खाली यहाँ पर दिख रहा है, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा रजिस्ट्रेशन में अपना अकाउंट नंबर और आधार नंबर डालिएगा तो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस दिखा रहा है कंसेंट, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा डन कर दीजिएगा पूरा फाइनल, तो यहाँ पे डन दिखाई देगा। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटस जो है आपको फॉर्म होने के बाद 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका बैंक डिटेल्स को देखा जाएगा कि आपके जो जानकारी भरे हैं सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा और जब पैसा आ जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पर आपको शो करेगा। तो इस प्रकार अपना आपको नाम चेक कर लेना है कि आपको लिस्ट में नाम है कि नहीं। उसके बाद आपको लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ये जानकारी थी फ्रेंड, अगर कोई भी डाउट है या कमेंट है तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।